हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 9:30 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है आज फिर से आलू का पराठा और साथ में है गरम गरम चाय। तो साथ में इधर जो है मेरी बहन चिकन को मसाला लगा रही है जिसको हम बाद में स्टीम करेंगे। तो हम लगा कर इसको मसाला रख देंगे और उसके बाद हमें आज बहुत से काम हैं और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या काम है। तो पहले जल्दी से इसको मसाला लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ के लिए निकलते हैं और मैं आपके साथ दोबारा थोड़ी देर बाद मिलते हूँ। इसको हम ओवरनाइट रखेंगे और कल इसको मैं स्टीम करूँगी और आपको बताएँगे कैसा बनता है। हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ से होकर आ गए हैं और ये लेकर आए हैं बर्फ़ी जो कि बहुत मज़े की है। खाने बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। और अभी हमें थोड़ी देर बाद फिर से बाहर जाना है लेकिन हम लोग पहले कर लेंगे लंच। और लंच में बनाया है हमने पुलाव, मटन पुलाव। हमारे घर मटन पुलाव, चिकन पुलाव बहुत ही बनता है क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है। और लंच करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। और यहाँ क्यों आए हैं मैं वो भी बता देती हूँ। हम लोग आए हैं कोविड के टेस्ट के लिए और यहाँ हम लोग अपना टेस्ट करवा लेंगे और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये टेस्ट हम लोग क्यों करवा रहे हैं। हमें कहीं ट्रैवल करना है, हम उसके लिए ये टेस्ट करवा रहे हैं। और टेस्ट जो है हमने करवा लिया है, उसकी रिपोर्ट हमें 45 मिनट के बाद आ जाएगी। तो हम लोग चलते हैं घर के लिए और घर जाकर मैं दोबारा आपके साथ मिलती हूँ। सो गाइस, अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 1:30 AM। और आप सोचेंगे कि मेरी नीस क्यों जाग रही है, तो वो रेडी हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं हमें जहाँ जाना है। और हमारी टैक्सी जो थी वो टाइम पर आ गई थी। और आप लोग सोचेंगे कि हम लोग टैक्सी में क्यों जा रहे हैं, तो हमारा जो सूटकेस थे वो पूरे नहीं आ रहे थे हमारी ऑडी में, तो हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली थी। और अब हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं आपके साथ बात करूंगी दोबारा। उससे पहले हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच ही चुके हैं बस। हमारी चेक इन जो है वो हो चुकी है और अब हम लोग जो हैं सब कुछ क्लियर करने के बाद आराम से बैठकर मॉर्निंग की कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। अभी हमारी बोर्डिंग नहीं हुई है, अभी हमारी बोर्डिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई है। बोर्डिंग स्टार्ट होने में 45 मिनट जो हैं लेफ्ट हैं और बोर्डिंग गेट ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग जल्दी से कॉफ़ी पीने के बाद बोर्डिंग गेट पर चले जाएंगे। और हमने कुछ ब्रेकफास्ट पैक भी करवा लिया है क्योंकि मेरी नीस जो है मे बी फ़्लाइट का फूड ना खाए। और हम लोग भी अवॉइड ही करेंगे, घर से भी कुछ लेकर आए हैं और वही खाएंगे क्योंकि ये आपको पता है पैनडेमिक में हमें अपना खाना जो है खुद ही रखना चाहिए क्योंकि वो हम खुद पैक करते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें क्या है और किस तरह से हमने उसे पैक किया है। और बोर्डिंग हो चुकी है और हम जो हैं अपने बैठ भी गए हैं और टेक ऑफ हो रहा है तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और क्योंकि कुछ मिनट्स के बाद ही प्यारे प्यारे से व्यूज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगे तो आप भी मेरे साथ उन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए।
सो गाइस, मैं आपके साथ पूरे 6 घंटे बीतने के बाद बात कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपको अंदर का एक छोटा सा विज़िट करवा देती हूँ। और ये है एयर इंडिया की फ़्लाइट और यहाँ मैं आपको अपना मैप दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि हम अपनी डेस्टिनेशन के कितने करीब हैं। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम खैरियत के साथ पहुँच जाएँ। और ये मेरा एयर इंडिया के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने एयर इंडिया में कभी ट्रैवल नहीं किया है। गाइस, हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं जहाँ के लिए हम मॉर्निंग से निकले थे। और सो गाइस, अभी हम लोग जो है यहाँ पर सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत सारी जो हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी ड्यू टू कोविड, आप सब भी जानते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अपना कोविड का टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे और इमिग्रेशन के बाद हम लोग अपने बैगेजेस लेंगे और उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमें लेने के लिए कौन आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन आया था हमें लेने के लिए, जिनको देखकर मेरी नीस जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और भागकर उनके पास चली गई। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।